करो, ठीक है, खुद सॉल्व करो। अब कहता है अल्ट्रावायलेट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट आकर। अब देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वैसे तो एक क्वेश्चन है, अगर एक मेटल का सरफेस में हमने रेडिएशन डाला लेकिन यहाँ से करंट की वैल्यू जीरो आई, यार कोई इलेक्ट्रॉन्स निकला ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड जीरो, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक वेव, कोई फोटो इलेक्ट्रिक हुआ ही नहीं। तो ये कहता है कि अल्ट्रा वायलेट रे डाल दिए आप और कुछ नहीं हुआ, तो इसमें से दूसरे को क्या ट्राई कर सकते हो? तो दूसरे को ट्राई करोगे तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कि मिनिमम एक न्यू मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर स्पेक्ट्रम ये देखोगे यहाँ से, तो स्पेक्ट्रम देखोगे इधर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, ठीक है, इंफ्रा रेड रे एंड माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो अगर हम इधर से इधर मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, रेडिएशन की, फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब अल्ट्रा वायलेट से नहीं हुआ स्पेक्ट्रम, देखो यहाँ यूवी है, तो इससे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब इधर इधर जब इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तभी तो पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अल्ट्रा वायलेट से नहीं होता, विजिबल, इंट्रा, माइक्रोवेव, रेडियोवेव से तो होगा ही नहीं यार, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड इससे नहीं होगा, ठीक है, माइक्रोवेव से होगा नहीं। तो इसके आगे बढ़ो, एक्स रे, गामा रे से चांस बनता है, ठीक है, एक चांस बनता है, तो हो सकता है कि एक्स रे से हो जाए, ठीक है, पर इनसे तो कभी नहीं होगा, ये तो बात क्लियर है।